ओम शांति। बाप कहते दिन प्रतिदिन तुमको गुहे पॉइंट समझाते रहते हैं। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो। बड़ी वंडरफुल बात है बाबा आत्मा का ज्ञान, क्योंकि जब बाबा आए तो ऐसे नहीं कि आते ही सुनाना शुरू कर दिया कि आत्मा ऐसे परमात्मा ऐसे। जो सुनाया जा रहा था उसको ही वेरिफिकेशन बाबा करना शुरू कर रहे थे। ये भी बड़ी वंडरफुल खेल है। लेकिन जब आप समझदार बनने शुरू हो गए, मैंने जब शुरुआत की बात है या आदि की बात है, जैसे 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 बच्चों की बुद्धि का विकास होना शुरू हुआ, उनको बाबा समझ आना शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर बाबा ने, पहले बाबा ने कहा अंगुष्ठाकार है, हाँ अंगुष्ठाकार है, चलो इससे आगे तो बढ़ो, ठीक है। फिर बाबा ने कहा, सही मायने में बताया कि एक छोटी सी बिंदी ज्योति स्वरूप है। बड़ा ही वंडरफुल खेल है, क्योंकि बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं था तो कैसे समझाते। धीरे धीरे उनकी बुद्धि का विकास हुआ, कैसे उन्होंने समझना। आज देखो कितने गुये गुये राज समझ जाते हो, नहीं? अगर पैदा होते ही ये सारे राज समझाए जाते तो समझ पाते नहीं ना, प्रश्न ही प्रश्न हो जाते और मूंझ जाते। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बहुत सारे गुये राज आ जाते हैं सामने, वंडरफुल थे वंडरफुल राज। और बुद्धि का विकास हो चुका होता है तो बड़ी जल्दी एक्सेप्टेंस होती है। ऐसा ही ये खेल है। जब तक उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता, जब तक वो योग नहीं लगाते, आत्मा को पावरफुल नहीं बनाते, तो बहुत सारे ऐसे गुहे पॉइंट होते हैं जो समझ में नहीं आते। पॉइंट तो वही है, आज भी आप अव्यक्त महावाक्य उठा लो, बहुत सारी बातें उसमें ऐसी होती हैं जो समझ भी नहीं आने वाली। जैसे आपका जन्म होता है, माना जब ब्राह्मण बनते हो तो बड़ी जल्दी से समझ नहीं आती है। धीरे धीरे अगर आपका योग अच्छा है, आपका मन बुद्धि आपके नियंत्रण में है और आप श्रीमद का पालन करते हो, तो हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। ये कोई जादूगरी नहीं है, ये वो है कि आपने पुरुषार्थ कैसा किया है, या बाबा को जाना और पहचाना और उनका कहना कितना माना है, ये उस पे डिपेंड करता है। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि इस पे तो घूमी हुई है दूसरे पे नहीं घूमी हुई है। ये तो जानना पहचानना और कहना मानना, इस पर डिपेंड करता है कि आपको परमात्मा महावाक्य कितने अच्छे से समझ आते हैं। ये भी तो एक ब्लेसिंग है ना, कि संगम पर परमात्मा महावाक्य समझ आ जाए। ये भी तो माया का श्राप ही होगा कि भगवान सुना तो रहा है पर समझ कुछ नहीं आ रहा है। और ये भी एक ब्लेसिंग है, ये वरदान है कि सब समझ में आ जाए और फिर वो एडॉप्ट भी होने लग गए तो ये डबल वरदान है। तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा वो थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना, थोड़ा थोड़ा बाबा सुनाता था पर कशिश तो बहुत थी ना, उसने खींचा। अच्छा, ओम शांति।